Hello and welcome everyone. Mahendra Singh this side and you're watching an Academy Neat YouTube channel and I welcome you all on this beautiful platform. So, कैसे आप सभी लोग? एक बार फटाफट से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? Hi champions, a very very good morning. Very good morning. हाँ जी, आज फिर से कुछ धमाल एक्सपेरिमेंट्स के साथ स्टडी होने वाली है. आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन की जो यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन पर चर्चा होगी. फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ऑफकोर्स ढेर सारे क्वेश्चन के साथ. और एक और न्यूज बेटा, आज आप लोगों का फ्रिक्शन पर क्विज भी होगा. ठीक है, क्विज ऑन फ्रिक्शन. ठीक है, क्विज ऑन फ्रिक्शन कहां पर? तो स्पेशल क्लास में. कितनी बजे बेटा? एक 9 PM रात को 9 बजे करने वाले हैं हम. एक 50 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज फिर से आपको क्लास में कुछ अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं. टेबल पर रखा है एक ब्लॉक जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. हमारे पास आज एक और ब्लॉक है. हमारे पास कुछ ईंटें भी हैं, राइट, जो बहुत देर से बाहर रखी थी तो खराब सी हो गई, लेकिन ठीक है यार, अब नई मैं खरीद के लाया नहीं, इन्हीं से काम चला लेंगे. तो थोड़ी गंदी है, हाथ वाथ बाद में धो लेंगे, है ना. बट यस, हमारे पास कुछ ईंटें भी हैं. ये आज फ्रिक्शन में क्या करने वाली हैं. और हाँ जी, हमारे पास आज ऑयल भी है. तो हम करने वाले हैं सारे घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हुए फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट. और फुल ऑन फिल के साथ हम इस क्लास में जाने वाले हैं. स्पेशल क्लास का लिंक आपको मेरी प्रोफाइल से मिल जाएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना. ठीक है, चलो. सो दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से. लेकिन बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आपको अनअकैडमी नीट का टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो फटाफट से ज्वाइन कर लेना चाहिए. और साथ ही साथ हेलो फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल, ये भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है. क्योंकि यहीं पर मैं आप लोगों को नोट्स अवेल करवाऊंगा, यहीं पर मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास की अपडेट्स दूंगा, और यहीं पर मैं आप लोगों को जो नोट्स है, कौन से वाले, हैंड रिटन, कौन से हैंड रिटन नोट्स, जो हमारी कल्प वृक्ष सीरीज चल रही है, और वो नोट्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, इतने प्यारे लिखे हैं मैंने. वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है. नाउ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली देखो, अगर आप सिंसियर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड अ सेट ऑफ टीम. ठीक है, और वो टीम जब आपको पर्सनलाइज्ड वे में इंटरैक्ट करती हुई अगर आपको पढ़ा रही होती है, बीच बीच में जहां कहीं आपको डाउट्स अगर आ रहे हैं, वहां पर इफ यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क टू द एजुकेटर कि सर आपने यहां पर ये जो बात कही है, अगर इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा. ठीक है सर, इसमें अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं ये सोच रहा था, या मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, एनी पॉइंट ऑफ थिंग आप वहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, आप एजुकेटर के साथ कनेक्ट करके बात कर सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल जाती है, साथ ही साथ आपको अनअकैडमी के ब्रांड नोट्स मिल जाते हैं आपके घर पर, और लाइव डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बन पाते हैं. ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं. और अगर 1% भी चांस है कि यार हम किसी तरह से अपने फाइनेंस को बैलेंस करके और सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर दिस. MS लाइव कोड का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपको अभी राइट नाउ 10+10% ऑफ यहां पर मिल रहा है बेटा. एडिशनल 10% ऑफ आपके लिए बन रहा है 17 November तक. उसके बाद ये प्राइसेस हाइक होने वाले हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग देन गो फॉर दिस फटाफट से. ठीक है, चलो करें शुरू. बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन की बात करते हैं सर. व्हाट इज फ्रिक्शन? ठीक है, क्या है फ्रिक्शन फोर्स और किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है? ठीक है, किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स यहां पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम आता है. आज का जो हमारे क्लास का हेडिंग है, फ्रिक्शन इज सो नेसेसरी बट व्हाई, यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो डे टू डे लाइफ में आप कर पा रहे हैं वो शायद फिर आप नहीं कर पाएंगे. फ्रिक्शन फोर्स का जो है एग्जांपल लेते हुए सीधी सीधी बात करते बेटा, राइट. फ्रिक्शन फोर्स जो है ये क्या है सर? तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा सर, टाइप ऑफ, है ना, ये क्या है बेटा, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. कैसा फोर्स है ये? एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, किस तरह का फोर्स है बेटा? टाइप ऑफ
कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि इसका मतलब यह है फ्रिक्शन विल ओनली कम इनटू द पिक्चर, फ्रिक्शन विल ओनली कम इनटू द पिक्चर व्हेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, व्हेन एवर देयर इज अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, व्हेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट है, ये जरूरी है, व्हेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ठीक है, ये सफिशियंट कंडीशन है। ये क्या है बेटा, सॉरी, ये नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशियंट। ये क्या है सर, ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं ये नेसेसरी कंडीशन है, इसको क्या कहेंगे सर हम, नेसेसरी कंडीशन है, कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, लेकिन फ्रिक्शन यहां पर पिक्चर में तब आएगा व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग एज वेल। बेटा क्या होना चाहिए यहां पर, रिलेटिव स्लाइडिंग होना चाहिए, ये हो गई यहां पर सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। दो बातें एक साथ होनी चाहिए, दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए और उन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होनी चाहिए, तब यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है, तब यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है एवरीबॉडी, ठीक है, एक एक करके नोट्स में लिखते जाना चीजें। सो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट का मतलब है ये तभी पिक्चर में आएगा जब वहां पर कॉन्टैक्ट होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आ सकता, लेकिन कॉन्टैक्ट होना ही जरूरी नहीं है। जैसे इस कंडीशन को अगर हम यहां पर एक्सप्लेन करें बेटा, ये एक सरफेस है मेरे पास और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और ये सरफेस हमने क्या बोल दिया, स्मूथ है, ये सरफेस यहां पर क्या है बेटा, स्मूथ है। और अब अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगाकर खींच रहे हो, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर सरफेस स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया, बल्कि यहां पर कॉन्टैक्ट तो है बेटा, कॉन्टैक्ट है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, केवल कॉन्टैक्ट होना नेसेसरी नहीं है बेटा। यहां पर कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट भी है, यहां पर सरफेस में क्या होनी चाहिए बेटा, रफनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, सरफेस में रफनेस होनी चाहिए और रफनेस के साथ साथ आप इस ब्लॉक को रिलेटिवली स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इस ब्लॉक को राइट साइड खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यहां पर कहेंगे सर इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी, अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर जाएंगे सारी चीजों में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे ये बॉक्स अभी यहां पर इस टेबल पर रखा हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को, कैन यू सी दिस बॉक्स बेटा, कैन यू सी दिस बॉक्स, ये टेबल पर रखा है। जब तक मैं इस बॉक्स को इस रस्सी से पकड़कर खींचूंगा नहीं, जब तक मैं इस बॉक्स को रस्सी से पकड़कर खींचूंगा नहीं, कॉन्टेक्ट है, टेबल पर रखा है, सरफेस रफ भी है, लेकिन बावजूद उसके यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, यहां पर ये रहा आपके पास सरफेस, रफ है, हाँ बिल्कुल रफ है, रफ है क्या सरफेस, हाँ रफ है, यहां पर आपने रफ सरफेस रखा लेकिन कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, नो अप्लाइड फोर्स बेटा, नो अप्लाइड फोर्स, जैसे बॉक्स रखा हुआ है हमारे टेबल पर, नो अप्लाइड फोर्स, अगर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। रिलेटिव स्लाइडिंग के लिए कोई यहां पर कोशिश नहीं कर रहा है तो रिलेटिव स्लाइडिंग इज द सफिशियंट कंडीशन। सो यहां पर अगर आप देखोगे सेकेंड वाली कंडीशन में, सुनना ध्यान से, थर्ड वाली कंडीशन समझ में आ रही है, रफ सरफेस है, बॉक्स रखा हुआ है लेकिन कोई खींच नहीं रहा, जैसे कि ये रहा एग्जांपल आपके सामने, सो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड वाली कंडीशन में जब पहुंचेंगे आप, जहां पर बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ है, तो उस अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अब बात यह है कि सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने बनाई, हाउ यू जज दैट, आपने कैसे इसको पता लगाया, ये हमारी कहानी थोड़ी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं समझाते हैं आपको बेटा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है,
कब पिक्चर में आएगा? Whenever there is a relative sliding बेटा, यहां पर क्या होगा सर? तो फ्रिक्शन विल बी नॉन जीरो. फ्रिक्शन यहां पर क्या हो जाएगा सर? विल बी नॉन जीरो इफ इफ देयर इज, क्या हो जाएगा सर? इफ देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग. इफ देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग, बहुत जोरदार. ठीक है, नोट बना रहे हो ना? नोट साथ साथ अगर बना रहे हो शेयर करना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे. ठीक है, अच्छा, इफ नॉट, यहां पर अगर एफ नॉट जीरो है सो देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग फॉर श्योर. एक और चीज आप यहां पर बोल सकते हो कि सर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये क्या कर रहा है बेटा? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है? ऑपोजिस. ये क्या कर रहा है बेटा? ऑपोजिस रिलेटिव स्लाइडिंग. ये क्या कर रहा है सर? रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करने का काम कर रहा है. आप देख सकते हैं सरफेस के रिलेटिव, सरफेस के रिलेटिव ये बॉक्स अगर राइट साइड जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहां पर अगर मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो सरफेस के रिलेटिव, सरफेस के रिलेटिव बेटा इस सरफेस पे, ये रेस्ट पे है, इसके रिलेटिव ये जो बॉक्स है अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ. रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करने का काम कर रहा है. अब बात आती है कि सर हाउ यू जज द डायरेक्शन, हाउ यू जज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. एक बहुत छोटी सी कहानी आपको यहां पर बताता हूं रिगार्डिंग द डायरेक्शन बेटा. जब भी कभी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाना हो, आप उस पर्टिकुलर सरफेस को फ्रिक्शनलेस अज्यूम कर लो. क्या मान लो? फ्रिक्शनलेस अज्यूम कर लो. फॉर एन एग्जांपल है ना, इसमें हम बात करते हैं सर हाउ वी जज डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें कैसे एकदम सही सही तरीके से पता चल जाएगी? उसका कोई जुगाड़ है क्या बॉस? उसका कोई जुगाड़ है क्या? राइट एवरीवन, दिल विल ड्रॉ करते रहना, ठीक है, और मुझे जो है आप तक पहुंचने का मौका मिलता रहे. एवरीवन चलिए बताइए जरा भैया, डायरेक्शन जो आपने बैक में बनाई इसके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाए, कुछ जुगाड़ मिल जाए. बेटा अगर यह सरफेस कैसा होता? स्मूथ होता. और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता, अगर यह सरफेस स्मूथ होता और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता तो यह स्मॉल एम का जो ब्लॉक है यह कहां जाता? यह किस डायरेक्शन में मूव करता मुझे बताइए जरा. एवरीवन एवरीवन, इफ इफ दिस सरफेस इज स्मूथ और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, बताइए ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? बताइए, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सभी बच्चे बोलेंगे सर ये राइट साइड जाएगा. इस राइट साइड की स्लाइडिंग को तुम्हें अपोज करना है बेटा. अगर तुम्हें अपोज करना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा. इस राइट साइड की, राइट साइड की स्लाइडिंग को अपोज अगर करना है तो तुम्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है हाउ यू कैन जज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? नाउ अब यहां पर क्या लिखा है बेटा? एफ ऑपोजिस द रिलेटिव स्लाइडिंग. That does not mean कि फ्रिक्शन हमेशा ही आपके मोशन को अपोज करता है. In many of the cases, friction will help you to cause the motion as well. फ्रिक्शन की मदद से ही मोशन संभव हो पाएगा. अदरवाइज हो सकता है मोशन हो ही ना सके. ठीक है, अदरवाइज हो सकता है मोशन ना हो सके. तो बेटा अभी बहुत सारी चीजें हमने समझी लेकिन अब हम फ्रिक्शन को मैथमेटिकली विजुअलाइज करने वाले. थ्योरेटिकल सारी बातें क्लियर है आपके सामने. फ्रिक्शन से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती थी मैंने सब यहां पर लिखी. अब यहां आ जाइए जरा. ठीक है, एक हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ, एक हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है. राइट, देखो एक हमारे पास ये रहा सर सरफेस, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया बेटा? बॉक्स रख दिया. ठीक है, और इस बॉक्स का मास हमने ले लिया m. राइट, ये जो सरफेस है ये रफ है बेटा. ये सरफेस क्या है सर? रफ है. और ये जो सरफेस है इसकी रफनेस को, डिफाइन करने के लिए, इसकी रफनेस को बयां करने के लिए एक इंडेक्स यूज होता है बेटा. रफनेस इज मोर और लेस है ना. रफनेस यहां पर मोर है या लेस है ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है बेटा, ये डिसाइड होता है एक इंडेक्स नंबर से, एक इंडेक्स से. और वो इंडेक्स कुछ और नहीं बेटा, एक नंबर होता है और वो नंबर कुछ और नहीं, उसे हम कहते हैं को एफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या कहते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से. अगर म्यू आपका ज्यादा है, यानी कि आप बोलेंगे सर सरफेस आपका मोर रफ होगा. अगर म्यू ज्यादा है सरफेस आपका मोर रफ होगा, और अगर म्यू आपका कम है तो सरफेस आपका लेस रफ होगा. यहां तक भी बात समझ में आ रही है? सो म्यू तक सारी कहानी क्लियर है. अब हम जो समझ रहे थे उसको यहां पर समझते बेटा कि क्या होने वाला है. जैसे ही आप इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स एफ करेंगे, इस अप्लाइड फोर्स एफ की वजह से यहां पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा बेटा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, और जिसे कायदे कानून से यहां बनाना चाहिए इस सरफेस पर, क्योंकि सरफेस फोर्स है, ये सरफेस पर लगता है. यहां पर ही हमने बनाया बेटा एफ. तो मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा जरा, ये जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है. यू नो दैट नॉर्मल क्या है, यहां पर इसका सेल्फ वेट एमजी नीचे लगेगा और नॉर्मल यहां पर लगने वाला है ऊपर की तरफ बेटा. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा. नॉर्मल जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप सभी लोग सारी बातें सुनते समझते हुए चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की ओर बढ़े आगे. है जी, हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं. ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है. एक एक्सपेरिमेंट करते ना, देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं. कुछ तो मेरे पास है यहां पर, व्हाट आई हैव, मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को देखो मैं कितनी आसानी से हंसते खेलते इसको ऐसे खींच दूंगा. राइट, बहुत आसानी से मैंने इसको हंसते खेलते खींच दिया. आप कहें तो मैं इसको एक सिंगल फिंगर से ऐसे खींच सकता हूं. देखो ये एक सिंगल फिंगर से मैंने इसको, छोटी सी फिंगर से. राइट, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. इट्स टाइम फॉर द विजुअलाइजेशन. फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. और अगर सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है तो हमें मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू सेल्फ वेट बेटा. ठीक है, तो अभी ये बॉक्स का सेल्फ वेट बहुत कम है, तो भैया इसको एक ऐसे चुटकी से पकड़कर हिला दे रहे हैं. ठीक है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ठीक, क्या करेंगे सर, हम इसके ऊपर हम बढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे. एक ईंट रख दी मैंने भाई, एक ईंट रख दी, अब चुटकी से खींचो. वाकई में एफर्ट लग रही है, वाकई में मेहनत लग रही है. अब चुटकी से खींचने में मेरी हालत जो है यहां पर टाइट हो रही है भाई. अब चुटकी से खींचना संभव नहीं हो पा रहा है, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. व्हाट यू डिड, आपने इस बॉक्स के ऊपर ईंट रखी तो क्या हुआ, आपने इस बॉक्स के ऊपर ईंट रखी तो एन बढ़ गया. एन के बढ़ने की वजह से सेम सरफेस पर जिसका म्यू, ये यहां पर जो आपने लिखा है ना म्यू, ये जो म्यू आपने लिखा है बेटा, ये जो म्यू आप यहां पर देख रहे हैं, ये म्यू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर दी सरफेसेस बेटा. ये क्या होता है सर, ये होता है सरफेस के लिए डिपेंडेंट बेटा, सरफेस डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि वजन कम है या ज्यादा है. ये रफनेस का एक इंडेक्स है जो पर्टिकुलर सरफेस के लिए फिक्स होता है कि यार ये सरफेस अगर है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है, वो फिक्स हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द वेट. अभी जब ये ईंट नीचे रखी थी और ये वाला बॉक्स खाली था, मैंने बड़ी आसानी से हंसते खेलते इसको चुटकी से खींच दिया. लेकिन इफ आई एम प्लेसिंग अ ब्रिक ओवर इट बेटा, ठीक है, और एक नहीं, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं जो करने वाला हूं तुम उसे देखो जरा. एक रखी और एक के साथ दूसरी रखी, गिरना मत रखना लाज वरना रो देंगे हम. हां जी, अब खींचते हैं दो ईंटें बेटा, दो ईंटें और सेम एक चुटकी से मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूं. अब तुम देखना, राइट, अब तुम देखना सर, खींचो 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 खींचो. बड़ी ताकत लगी, तब ये क्या जा रहा है, तब ये इस जगह से इस जगह जा रहा है. जितना ज्यादा आप इसके ऊपर
क्या करेंगे बेटा, वजन बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा आप इसके ऊपर वेट इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा यहां पर नॉर्मल इंक्रीज होगा, और जितना नॉर्मल इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे सर उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसे स्लाइड करना, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसे स्लाइड करना। मैं एक फिंगर से एक चुटकी से इसे खिसका ही नहीं पाया, मैं स्लाइड ही नहीं कर पाया। व्हेन आई प्लेस्ड 4 ब्रिक्स ओवर द सेम सरफेस जिसका म्यू फिक्स है, जिसका म्यू फिक्स है, और अगर मैं उसको फोर्स लगा रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आई अप्लाइड, बट बेटा बॉक्स नहीं खिसक रहा है बिकॉज आपने सेल्फ वेट बढ़ा दिया, सेल्फ वेट बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बढ़ चुका है। विजुअलाइज हो रहा है एवरीवन, विजुअलाइज हो रहा है। बहुत एफर्ट, बहुत एफर्ट, कब बहुत एफर्ट बेटा, देखो मैंने दोनों हाथ लगा दिए। बहुत एफर्ट का मतलब है मैंने यहां पर अपने दोनों हाथ लगा दिए, और तब जाकर एक सिंगल हाथ से अगर मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा था, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई नीड टू मेक, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, जरा इसी चीज को ऐसे विजुअलाइज करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम यहां पर म्यू क्या बताता है, रफनेस बताता है। अगर आप रफनेस को डिक्रीज कर दोगे तो म्यू डिक्रीज होगा, और अगर म्यू डिक्रीज होगा तो यू कैन इजीली पुल अ पर्टिकुलर बॉडी। तो हम ये करने वाले हैं, है ना, हम ये करने वाले हैं कि सर यहां पर थोड़ा सा ऑयल जो है हमने डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया, और जब हमने ऑयल डाला, एक मिनट, हाँ हमने क्या किया बेटा, ऑयल डाल दिया, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, लगी गर जरूरत फिजिक्स पढ़ाने उनको भी ले आऊंगा मैं, थोड़ा इसको फैला दो थोड़ा और ऐड कर दो, जितना भी जरूरत है उतना ऑयल तुम डाल दो। नहीं यार, साफ, देखो साफ करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, साफ करने के लिए मतलब तुम्हें क्या लगता है, हैं तुम्हें क्या लगता है, इतना फैला रहा मैं जो इतनी मजेदार तरीके से करता हूँ ना, तो दीदी है हमारे यहाँ पर एक, वो आएंगे अभी फिर वो देखेंगे ऑफिस को। एक दिन वो बोल रहे थे मेरी वाइफ से, ये भैया पढ़ाते हैं या ये कुछ और काम करते हैं। मेरी वाइफ ने बोला क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो, है ना। देखो मैंने ऑयल डाल दिया बेटा, मैंने ऑयल डाला है ताकि मैं इसकी रफनेस को क्या कर सकूं, कम कर सकूं, ठीक है। आई हैव केप्ट सम ऑयल ऑन द टेबल ताकि मैं इसकी रफनेस को क्या कर सकूं दोस्तों, कम कर सकूं। और अब फिर से हम उस अरेंजमेंट पर जाने वाले हैं कि सर ये दो ईंटें आपने इसके ऊपर रखी, सर ये दो ईंटें आपने इसके ऊपर रखी, इंजीनियरिंग में हम लोगों ने सीखा था, है ना, कि किस तरह से ये अरेंजमेंट करना चाहिए, है ना, ताकि ये ईंटें गिरे नहीं एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस में। हालांकि वो एक अलग बात है कि जब सीखा था तभी हमने काम किया था, उसके बाद फिर ना। अब देखो जरा, ऑयल अगर है तो हम ऐसा कह रहे हैं कि यार ऑयल होने की वजह से इसकी जो रफनेस है वो कम हो गई होगी सरफेस की, और अब मैं इसको आसानी से एक हाथ से खींच पा रहा हूं। आप यहां पर, अरे ये यहां पर आकर फिर अटक गया। अब ये क्यों अटका, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं बेटा। यहां इसके अटकने के पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि जब मैं ईंटें रख रहा था तो जो ईंटों का जो टुकड़ा है, यानी कि ईंटों का जो पाउडर है, वो यहां पर गिर गया, जो फिर से इस सरफेस को क्या बना रहा है, यहां पर रफ बना रहा है। तो अगर हम यहां पर इसको खींचना चाहें तो बड़ी इजीली हम इसे पुल कर पा रहे हैं, पहले नहीं खींच पा रहे थे, अब हम इसको खींच पा रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो है बेटा
ऑयल यहां पर एक क्या कर रहा है, आपकी रफनेस को, आपकी रफनेस को डिक्रीज करने में आपकी मदद कर रहा है, रफनेस को डिक्रीज करने में मदद कर रहा है। तो ये बड़ी आसानी से स्लाइड कर गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपकी क्या कर रहा है दोस्तों, मदद कर रहा है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कुछ भी मैंने ओवर द बोर्ड लिखा है वो आपको समझ आ रहा होगा, जो कुछ भी मैंने ओवर द बोर्ड लिखा है वो आपको समझ आ रहा होगा। एम आई राइट एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहां तक में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए जरा जल्दी से, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसकी तो जरूरत मुझे लगेगी, तो ये तो अभी मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा, नहीं लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सी क्लीनिंग में क्या दिक्कत है। हाँ भैया बताइए जरा, आप सबने विजुअलाइज किया कि नहीं, सबने विजुअलाइज किया कि नहीं, किसी को ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है भैया, चलिए बहुत जोरदार। तो सर यहां पर समझ आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जितना ज्यादा आप नॉर्मल बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं बेटा म्यू, और ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं पहले ही लिख चुका हूं, ठीक है, मैं पहले ही लिख चुका हूं। कुल मिलाकर जब आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीन तरह की चीजें आपको यहां पर मिलने वाली बेटा, इस फ्रिक्शन में तीन तरह की चीजें आपको मिलने वाली हैं। क्या क्या, सुनिएगा, क्या क्या मिलने वाला है बेटा, एक आपका रहेगा स्टैटिक, एक आपका रहेगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा रहेगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा रहेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा क्या रहेगा सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा क्या रहने वाला है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा यहां पर होगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक, क्लियर है, अब समझना, ठीक है। वही कहानी फिर से हम दोहराते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, जो अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहे, राइट, ये बात समझ आ रही है। सो दोस्तों अगर ये मेरे पास ब्लॉक था, ये मेरे पास ब्लॉक था और ये यहां रखा था, मैंने इसको बड़ी आसानी से खींच दिया, देखो है ना, इसको मैंने क्या किया बेटा, फोर्स लगाकर बड़ी आसानी से खींच दिया। बट अगर मैं इसके ऊपर एक भी ब्रिक रख रहा था तो एक ब्रिक रख देने से यहां पर सेम फोर्स से, सेम एफर्ट से तो मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं, सेम एफर्ट से मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं। तो क्या करेंगे सर? एफर्ट्स बढ़ाएंगे, एफर्ट बढ़ाऊंगा और एफर्ट बढ़ाऊंगा और एफर्ट बढ़ाऊंगा। जितना एफर्ट मैं बढ़ा रहा हूं इसको खिसकाने के लिए, उतना ही पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है, उतना ही पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है, एक क्षमता है, इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक ये प्रिवेंट कर पाएगा, और अगर मेरा अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो गया तो बड़े प्यार से मेरे साथ चल देगा, फिर ये ब्लॉक बड़े प्यार से मेरे साथ चल देगा। बोलो यस और नो एवरीवन, क्लियर है? लिमिटिंग, लिमिटिंग बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेकंड में लिखे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, और आप इसी को एफ मैक्सिमम भी बोल सकते हो, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, और यह होता है म्यू इंटू में एन के बराबर। यह क्या होता है बेटा? म्यू इंटू में एन के बराबर, ठीक, म्यू इंटू एन के बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो जो एफ स्टैटिक होता है यह तभी पिक्चर में आएगा जब तक आपका ब्लॉक रेस्ट में है, और यह होता है बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर। यह क्या होता है सर? आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर। एफ स्टैटिक इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अप टू कहां तक बेटा? तो मैं लिख देता हूं सर अप टू एफ लिमिटिंग। जब तक कि आपका एफ लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचता स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड के बराबर होगा। मैं एफर्ट बढ़ाऊंगा, सुनना, मैं एफर्ट बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी अपने एफर्ट बढ़ाएगा रोकने के। मैं इसको स्लाइड करने के एफर्ट बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन रोकने के एफर्ट बढ़ाएगा। मैं और एफर्ट बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन और रोकने का एफर्ट बढ़ाएगा। लेकिन उसके बढ़ने की एक पर्टिकुलर लिमिट है और मेरे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। मैं इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स
के से ज्यादा, इसके मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा मैं फोर्स इसके ऊपर क्या कर सकता हूं बेटा, लगा सकता हूं। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? एवरीवन विजुअलाइज कर रहे हैं? दिल विल बना दो यार, दिल विल बना दो, फुल ऑन डेमोन्स्ट्रेशन हम जा रहे होते हैं। अब जब ब्लॉक आपका मूव करने लग जाता है तो यहां पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में, जिसको हम कहेंगे एफ के, और वो होता है बेटा यहां पर म्यू के इनटू में एन। इन जनरल अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, जो म्यू के है वो लेस देन यहां पर म्यू एस होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, यानी कि ये जो आपका एफ लिमिटिंग है उससे जो आपका एफ के है वो कम होता है। ठीक ठीक सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बिटवीन द टू सर्फेसेस है, क्यों? बिकॉज ऑफ द रफनेस। और अगर एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में रफनेस है तो इस तरह की इंटरलॉकिंग है, इस तरह की क्या है बेटा, सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग है। अगर तुम एक को खींचोगे तो दूसरा उस इंटरलॉकिंग की वजह से उसके साथ साथ चल सकता है, लेकिन जब एक बार ये मोशन में आ जाते हैं, जब एक बार ये मोशन में आ जाते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब ये ब्लॉक मूव करने लगा, उस सिचुएशन में बेटा इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में देयर इज नॉट इनफ टाइम सो दैट वो इंटरलॉकिंग हो सके, और उसी वजह से यहां पर क्या होता है सर, आपका म्यू के कम हो जाता है एज कंपेयर टू म्यू एस। एवरीवन लिमिटिंग का वैल्यू, लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एग्जांपल से समझेंगे इसको। लिमिटिंग का मतलब है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, एक एग्जांपल से समझाता हूं, आ जाइए जरा यहां तक। अभी तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई तो मुझे बता दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। ठीक है चलो, अब यहां पर हम क्या करते हैं सर, एक एग्जांपल की बात करने वाले हैं, है ना। ये सब मैंने मिटाया, तो आप ये मत सोचना कि सर आपने मिटा दिया, इसके पीछे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने स्लाइड कॉपी मार ली, मैंने स्लाइड क्या करी बेटा, कॉपी मार ली। अब आपको बहुत कुछ सिखाना है, अभी इस वाली स्लाइड पर आ जाइए आप जरा। यहां पर विजुअलाइजेशन पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं सर, एक सरफेस है और ये रहा यहां पर आपने लिया ब्लॉक, ठीक है, जिसका मास यहां पर हम ले लेते हैं सर 10 kg, जिसका मास कितना ले लिया सर 10 kg, जो रफनेस है उसकी वैल्यू हमने ले ली बेटा 0.3, म्यू का वैल्यू कितना ले लिया सर 0.3, ये म्यू एस आपका 0.3, अभी सुनना, म्यू एस 0.3 है और म्यू के का वैल्यू मैं यहां पर 0.2 बोल रहा हूं, म्यू के का वैल्यू मैं कितना बोल रहा हूं बेटा 0.2 बोल रहा हूं, अभी सुनते जाइए फिर आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ओवर हियर, और वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स है बेटा वो है एफ इज इक्वल टू यहां पर 2 into, मैं आप यहां पर कह दीजिए से टी, 2 into में आप यहां पर क्या कह देंगे बेटा टी कह देंगे, टी यहां पर टाइम ले लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द टाइम फोर्सेस वेरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, एक एग्जांपल ले लिया वेरिएबल फोर्स का। ठीक है चलो, अब तुम ये देखो कि सर यहां पर अगर इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक की इंटेंशन क्या है, इस फोर्स एफ की वजह से इस ब्लॉक का इंटेंशन है राइट साइड मूव करना, जैसे ये यहां पर रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे खींचू तो इस ब्लॉक का इंटेंशन है राइट साइड मूव करना, तो फ्रिक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एवरीवन, तो दोस्तों एक बात ये विजुअलाइज हो रही है या क्लियर हो रही है कि सर यहां पर पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा ये तुम यहां पर कैलकुलेट कर लो, वो मैक्सिमम होगा सर म्यू इनटू में एन के बराबर, और म्यू कौन सा बेटा, म्यू एस वाला, ये 0.3 आपने लिया, यहां पर एन का वैल्यू ले लोगे तुम 10 into 10 बेटा। ठीक है, अरे भाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी के बराबर, एम का वैल्यू 10 है, जी का वैल्यू 10 है, सो दोस्तों कितना आ गया ये 100 × 0.3 30 newton, कितना आ गया सर 30 newton। अब तुम देखना जरा, अगर मैं कहूं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, अब यहां परफेक्ट विजुअलाइजेशन लेना, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर आप बोलेंगे सर फोर्स का वैल्यू जीरो है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी जीरो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी जीरो है। फिर अगर आप बोलेंगे सर एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 seconds, अगर आपने 5 seconds किया तो फोर्स का वैल्यू 10 newton होगा, और 10 newton जो है बेटा ये लेस देन एफ मैक्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो जो फ्रिक्शन होगा बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा यहां पर
मैंने इसको जीरो, यहां पर एस क्यों लिखा, जीरो लिखना था ना मेरे को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा बेटा, जीरो। जब अप्लाइड फोर्स जीरो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन विच इज लेस देन एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम का वैल्यू 30 न्यूटन है, तो यहां पर आप बोलोगे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होगा और उसका वैल्यू एफ अप्लाइड के बराबर होगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। विजुअलाइजेशन आपके सामने, हर एक चीज लिख रहा हूं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन फुल रखना क्लास पर और लिखते जाना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा फ्रिक्शन से के बारे में। फिर हमने क्या किया सर, 10 सेकेंड कर दिया। जैसे तुमने 10 सेकेंड किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 20 न्यूटन। स्टिल दिस इज लेस देन एफ मैक्सिमम, स्टिल दिस इज लेस देन एफ मैक्सिमम। अब अगर ये एफ मैक्सिमम से अभी भी कम है तो यहां पर भी क्या होगा सर, एफ जो है वो स्टैटिक होगा और वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा और उसका वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है, फ्रिक्शन जब फोर्स जीरो था तो जीरो था, जब फ्रिक्शन, जब फोर्स 10 हुआ तो फ्रिक्शन 10 हो गया, जब फोर्स 20 हुआ तो फ्रिक्शन भी 20 हो गया, है ना एवरीवन। दिल विल बनाओ यार एक बार जरा जोरदार। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर आपने ले लिया कहानी 15 सेकेंड पर, 15 सेकेंड पर फोर्स अप्लाई जो है वो 30 न्यूटन हुआ, एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एफ मैक्सिमम। और जैसे ही एफ मैक्सिमम के बराबर हुआ, नाउ द ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि अब अगर अप्लाइड फोर्स को आपने 0.0001 भी अगर इंक्रीज कर दिया ना, तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एफ है वो एफ एस मैक्स के बराबर हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 30 न्यूटन के बराबर हो गई। कितनी हो गई सर, 30 न्यूटन के बराबर हो गई। यहां तक तो आपका फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, यहां तक तो आपका फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं सर, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी देयर टू अपोज द रिलेटिव स्लाइडिंग। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहां पर हो सकती है, जो स्लाइडिंग को अपोज कर सके। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। बता दीजिए एक बार जरा दिल विल ड्रॉ करके कि भैया बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सारी कहानी समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही तुमने यहां पर क्या किया, टाइम को तुमने कर दिया 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स करते ही तुम्हारा फोर्स कितना हो गया बेटा, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज मोर देन एफ मैक्सिमम। अब यहां पर तुम्हें समझ आ रहा था कि मैक्सिमम से ज्यादा वैल्यू अगर हो गई तो जो तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अब वो आ जाएगा बेटा काइनेटिक की कंडीशन में। और काइनेटिक क्या होगा, अगर तुम यहां पर एफ के की बात करोगे तो एफ के हो जाएगा सर म्यू के इंटू में एन। म्यू के का वैल्यू तुम्हें 0.2 दिया हुआ था, एन का वैल्यू 10 इंटू में 10, तो बेटा ये 20 न्यूटन था। ये कितना था सर, 20 न्यूटन। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे सर, 20 न्यूटन। ये तुम्हारा म्यू के हो गया, तो ये कम है ना बेटा। देखो एफ एस कितना है 30, म्यू के कितना है 20। और यहां पर क्या कर रहा है, ब्लॉक विल स्लाइड टू द राइट साइड विद सर्टेन एक्सेलरेशन विच इज नॉन जीरो। ब्लॉक यहां पर क्या करेगा बेटा, किसी एक्सेलरेशन से राइट साइड मूव करने लग गया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो यह ब्लॉक क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और अगर यह ब्लॉक मूव कर गया, 20 कैसे आया, ये वाला 20। अरे बेटा म्यू के का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है ना, म्यू के का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। कई बार आपको क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया जाएगा। म्यू के वेन एवर देर इज अ मोशन, यानी कि ब्लॉक अगर आपका मूव करने लगा तो फिर काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है, फिर स्टैटिक वाली कहानी खत्म और काइनेटिक की कहानी शुरू। और काइनेटिक का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक के कंपैरिजन में कम होता है, काइनेटिक का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक से कम होता है। अगर नहीं दिया, इन केस अगर आपको म्यू के नहीं दिया, तो फिर आप यहां पर क्या करते बेटा, म्यू के की एब्सेंस में आप म्यू एस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके भी बता देता हूं। इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा, इस एग्जांपल से आपको क्या समझ आया बताइए जरा मुझे, इस एग्जांपल से आपको क्या समझ आ रहा है, जल्दी बताइए मुझे, इस एग्जांपल से क्या समझ आया आप लोगों को, हाँ कि सर
फ्रिक्शन जीरो से अपनी वैल्यू शुरू कर रहा है. फ्रिक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, रीचेस अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, रीचेस अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अरे यार सारे ही वापस आ गया. मैं चाह रहा था इसको कि केवल जो है हमारा ब्लॉक ब्लॉक वापस आए. चलो खैर एनीवेज, मिटाओ टेक्निक का इस्तेमाल करके हम यहां पर. ठीक, अब देखो जरा एक बार हम क्या करते बेटा, एक हम यहां पर काम कर लेते हैं, एक यहां पर हम काम कर लेते हैं, बहुत जोरदार आपको एग्जांपल से समझा देते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी है ना, डोंट वरी. हम थोड़ा सा तरीके से और चल देते. देखो हम क्या करते हैं सर, म्यू के का वैल्यू हटा देते हैं यहां से. हमने म्यू के का वैल्यू हटा दिया. सुनना जरा ध्यान से, आपने क्या देखा कि सर जब टाइम का वैल्यू 20 सेकेंड्स हुआ तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो चुका था. सर उस कंडीशन पर फोर्स का जो वैल्यू है वो 40 न्यूटन हो चुका था, विच इज मोर देन एफ लिमिटिंग, विच इज मोर देन एफ लिमिटिंग. और अगर ऐसा था तो यहां पर क्या करेगा बेटा, ब्लॉक क्या करेगा सर, ब्लॉक क्या करेगा बेटा, स्लाइड रिलेटिव टू द सरफेस. ठीक है, ब्लॉक यहां पर क्या करेगा बेटा, स्लाइड करेगा रिलेटिव टू सरफेस. एवरीवन समझ में आ रही है, सरफेस के रिलेटिव ब्लॉक यहां पर स्लाइड करने लगा. अब अगर सरफेस के रिलेटिव ब्लॉक स्लाइड करने लगा एंड नथिंग इज गिवन टू यू, ओनली आपके पास अप्लाइड फोर्स है, ओनली आपके पास μs है, और आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर कहानी में पता लगाना है विथ व्हाट एक्सलरेशन. एक्सलरेशन नॉन जीरो है समझ में आ गया, लेकिन एक्सलरेशन कितना होगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक का. ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से तुम्हें समझ आएगा आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है सर जो कि एफ लिमिटिंग के बराबर है और जिसका वैल्यू कितना बेटा 30 न्यूटन. तो यहां पर एक्सलरेशन इधर आएगा जो हो जाएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 10 kg. एक्सलरेशन कितना आ गया बेटा, 1 m/s². क्या ये सबको समझ आया? हाउ वी गॉट दिस वैल्यू. एवरीवन, एक एक बालक क्लास में अभी मुझे बताइए कि यस भैया परफेक्ट तरीके से विजुअलाइज हो गया. टाइम का वैल्यू 20 सेकंड्स किया, फोर्स का वैल्यू 40, विच इज मोर देन लिमिटिंग. और इस सवाल में आपको म्यू के नहीं दिया हुआ है, ओनली म्यू एस यू हैव. म्यू के का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, म्यू के बारे में नो इंफॉर्मेशन. म्यू के बारे में आप यहां पर क्या बोलोगे बेटा, नो इंफॉर्मेशन. और अगर म्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप म्यू के को ही म्यू एस के बराबर कंसिडर करेंगे, यानी कि जो आपका एफ के है उसी को आप एफ लिमिटिंग के बराबर कंसिडर कर लेंगे. आ रही है बात समझ में, ये बात भी आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? यस भैया, यहां तक भी बात तो सारी समझ में आ गई. लेकिन इसके अगले वाली स्लाइड में जब हम पहुंचे, एक मिनट है ना, इसके अगले वाली स्लाइड में जब हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर इसमें इस बार म्यू के जीरो नहीं है. सुनना, इस बार इसमें म्यू के जीरो नहीं है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो म्यू एस भी दिया हुआ है और म्यू के भी दिया हुआ है. तो जब तुम देखोगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, जो आपका फोर्स है वो 40 न्यूटन हो जाएगा, विच इज मोर देन एफ लिमिटिंग. और एफ लिमिटिंग कितना था बेटा, वो 30 न्यूटन था. इस कंडीशन में आपका ब्लॉक क्या करेगा बेटा, ब्लॉक विल स्लाइड. और अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो एफ के विल कम इनटू पिक्चर बेटा, एफ के क्या हो जाएगा, विल कम इनटू पिक्चर. अगर ये पिक्चर में आ गए भाई साहब, अगर ये पिक्चर में आ गए तो अब यहां पर जो ब्लॉक है जिसका मास आपके पास 10 kg है, जिसके ऊपर फोर्स आपने 40 न्यूटन लगाया है, इसके ऊपर मोशन की कंडीशन में पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि एफ लिमिटिंग नहीं होगा. एफ लिमिटिंग नहीं होगा, होगा यहां पर क्या बेटा, एफ के. ये समझ रहे हो कि नहीं? वेन एवर देर इज एफ के इन द पिक्चर, अगर आपको म्यू के अलग से दिया हुआ है, बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन है, लिखना ऐसे शब्दों में, अगर आपको एफ के दिया हुआ है
तो आप यहां पर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, एफ लिमिटिंग नहीं। पिछली वाली केस में हमारे पास म्यू के नहीं था तो हमने यहां पर एफ लिमिटिंग ले लिया ऑपोजिट फोर्स। मेनी ऑफ द केसेस में आपको यही मिलेगा, लेकिन यू मे ऑल्सो फाउंड कि आपको म्यू एस और म्यू के दोनों साथ साथ दिए हो। तो यहां पर म्यू के का वैल्यू कितना बेटा, फिर 20 न्यूटन। अब तुम देखोगे कि सर 40 आगे की तरफ, तो यहां पर आपका एक एक्सलरेशन होगा विच इज 40 - 20 / 10। आंसर आ गया A = 2 m/s². डिफरेंस समझ में आया या नहीं समझ में आया? एक एक बच्चा बताइए जरा कि किस तरह से ब्लॉक पर क्या अप्लाइड फोर्स था, म्यू एस की क्या वैल्यू है, म्यू के की क्या वैल्यू है, एंड व्हाट आर द चेंजेस यू पीपल आर ऑब्जर्विंग। एवरीवन एक बार दिल बना दो, अगर पूरी फीलिंग क्लियर हो चुकी है तो, अगर कंप्लीट फीलिंग क्लियर हो गई एक बार दिल बना दो यार, जल्दी से ठीक, बहुत जोरदार। अब तुम यहां आओ, तुम्हें यह समझ में आ गया कि सर स्टैटिक, सर लिमिटिंग और काइनेटिक, ये तीनों ही चीजें बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गई। काइनेटिक के बारे में एक बात बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू रोल व्हेन रोल, मतलब वाला रोल लिखना था मेरे को, है ना, ई वाला, कम्स इनटू रोल व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग। ठीक है, जब रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तभी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, अदरवाइज काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आने वाला। ये जो स्लाइड थी यहां पर आपने देखा, टाइम 0 फोर्स 0 फ्रिक्शन 0, टाइम 5 फोर्स 10 फ्रिक्शन 10, यहां पर टाइम 10 फोर्स 20 फ्रिक्शन 20, यहां पर टाइम 15 फोर्स 30 फ्रिक्शन 30। मतलब आप इस एग्जांपल से ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। एम आई राइट एवरीबॉडी? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। क्या ये बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? हां भैया, आप फोर्स बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शन बढ़ रहा था, आप फोर्स को बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शन बढ़ रहा था अप टू अ लिमिटिंग वैल्यू, और उसके बाद वो सीधा जंप कर गया काइनेटिक की कंडीशन में जहां पर उसकी वैल्यू लिमिटिंग से कम हो चुकी थी, तो दोस्तों अगर हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे बेटा, एक ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। सर ये रही यहां पर एक लाइन, ठीक है, यहां पर ये रही एक लाइन, ठीक है, हाँ जी बहुत जोरदार। तो यहां पर आप देखेंगे सर, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यू शुरू होगी वो ये कुछ इस तरह से शुरू होगी टिल यहां पर आप बोलेंगे सर, ये देखो जरा, ये मैंने एंगल कितना लिया बेटा, ये एंगल मैंने 45 डिग्री लिया, ये एंगल मैंने कितना लिया सर, 45 डिग्री लिया, क्योंकि यहां तक जो आप देख रहे हैं सर, इस सिचुएशन में जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, इस सिचुएशन में जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उससे आपको यहां पर समझ आएगा कि क्या सीन होने वाला है, किस तरह की कहानी होने वाली है। ठीक है बेटा, यहां पर आपको यह विजुअलाइज होगा कि सर इस सिचुएशन तक ये क्या है, ये तुम्हें स्टैटिक बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है बेटा, स्टैटिक बता रहा है। इस तरफ क्या है, इस तरफ हमने लिया है सर एफ अप्लाइड, इस तरफ हमने क्या लिया दोस्तों, एफ अप्लाइड लिया है, और ऊपर की तरफ हमने क्या लिया, ऊपर की तरफ हमने लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो यहां आप बोलोगे सर एफ का जो वैल्यू है वो एफ लिमिटिंग के बराबर हो गया। यहां पहुंचने के बाद में ऑल ऑफ सडन किंक आएगा, एकदम से वैल्यू घटेगी। मैं बताता हूं कैसे, अभी हम लोगों ने देखा था, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, एवरीवन इफ यू पीपल ऑब्जर्व द ब्लॉक राइट, अगर आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे, इफ आई प्लेस द टू ब्रिक्स ओवर हियर और अगर मैं इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं विद मिनिमम एफर्ट, आई एम नॉट एबल टू डू सो। लेकिन अगर मैं थोड़ा फोर्स बढ़ाऊं, यहां ध्यान देना बेटा, एकदम से खिसक कर फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता, देखना
है ना, एकदम से खिसका और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा। जो एकदम से खिसक रहा है इसे हम किंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम किंक कह रहे हैं। और यहां पर वैल्यू आपकी कम होकर नीचे आ जाती है, जहां पर फिर से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी सर? काइनेटिक की सिचुएशन में आ जाएगा। यहां पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? एफके के बराबर होगा, एंड एफके हैज लेसर वैल्यू। ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है यहां पर, ये किसमें बेटा? ये काइनेटिक सिचुएशन में है। यहां पर ब्लॉक आपका मोशन में आ चुका है। क्या ये सभी लोगों को ग्राफ क्लियर हुआ? मैंने यहां पर 45 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, विच इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग अप टू एफ अप्लाइड, अप टू एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। बेटा जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग के बराबर नहीं हो जाता, फोर्स स्टैटिक रहता है और वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर चल रहा होता है। क्लियर है या नहीं? एफ इज इक्वल टू एफ एस बेटा, इसको एफ लिमिटिंग नहीं कहेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एस। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आप देखेंगे लीनियरली वेरी कर रहा है विद अ स्लोप ऑफ कितना बेटा? विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। एक बार दिल बना दो सर, सारी चीजें क्लियर हैं परफेक्ट तरीके से। सवाल आपके सामने है एक यहां पर। अब ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर द ब्लॉक बी। अब ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर द ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर, व्हिच इज स्मूथ एंड फिक्स्ड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए इज, इस ब्लॉक ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इस ब्लॉक ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होने वाला है? कम ऑन एवरीवन, डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले दुर्गेश, बहुत सारी बातें करेंगे भी डायरेक्शन के बारे में। ब्लॉक ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? देखो तुम ये समझो जरा कि जब ये ब्लॉक बी नीचे आएगा, यानी कि ये ब्लॉक बी यहां आ गया होगा, जब ये ब्लॉक बी यहां आया होगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ ब्लॉक ए यहां आ गया होगा। बोलो यस और नो, है ना? अगर ब्लॉक बी नीचे आया होगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ ब्लॉक ए नीचे आ गया होगा। बहुत जोरदार। ब्लॉक ए का मोशन क्या है? ब्लॉक ए, यहां पर आप बोलेंगे सर जो ब्लॉक ए मूव कर रहा है, मूव्स टुवर्ड्स कहां पर? तो आप बताइए जरा, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां मूव कर रहा है बेटा? मूव्स टुवर्ड लेफ्ट। किस तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट में मूव कर रहा है। भाई बी को मूव कराने वाला कौन है? बी को, बी वाले ब्लॉक को मूव कराने वाला है उसका सेल्फ वेट एमबीजी साइन थीटा। समझ में आता है? MBG sin theta। ब्लॉक B को मूव कराने वाला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है MBG sin theta। लेकिन अगर ब्लॉक A अपनी पोजीशन यहां से यहां कर रहा है, अगर वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो कौन है जो उसे लेफ्ट में मूव करवा रहा है? विच फोर्स इज देयर जो इस ब्लॉक को लेफ्ट में मूव करवा रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहां पर इसको लेफ्ट में मूव कराने वाला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। ओनली वन फोर्स इज देयर ओवर ए, और अगर ये लेफ्ट में मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली इसका लेफ्ट में होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि सर जो फ्रिक्शन है ये नॉट ओनली ऑपोज द मोशन बेटा, ठीक है, नॉट ओनली ऑपोजेस मोशन, ये केवल मोशन को ऑपोज नहीं करता है, बल्कि क्या बोलेंगे, बट सपोर्ट्स मोशन टू। यहां पर ये मोशन को सपोर्ट भी करता है, इसीलिए तो तुम जमीन पर चल पा रहे होते हो, दोस्तों। अगर आप यहां पर देखेंगे, सपोज इफ यू स्टार्ट वॉकिंग ओवर द आइस सरफेस, बर्फ के ऊपर जिसका फ्रिक्शन बहुत कम है, सो यू वॉन्ट टू क्या करते हो बेटा? आप इस तरह से जो हमने विजुअलाइज करके देखा था, इस तरह का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, राइट? दिख रहा आप लोगों को, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, और इस प्लेटफॉर्म पर जब मैं ऐसे उंगलियां चला रहा था, तो व्हेन आई एम अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, तो यहां पर मुझे क्या मिल रही थी बेटा? रिएक्शन मिल रही थी, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे आगे बढ़ रहा था, तो
तो आप देखो जरा मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ खिसक रहा है। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, इसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, मेरे ऊपर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। मैंने इसके ऊपर एक्शन किया, इसने मेरे ऊपर रिएक्शन किया, यह संभव हो पाया किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अब अगर यही जो आपके पास सरफेस है, इसी सरफेस पर हम क्या करते बेटा, इसी सरफेस पर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, इसी सरफेस पर हम क्या करते बेटा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और फ्रिक्शन को जब आप रिड्यूस करेंगे, वो रिडक्शन किस वजह से हो पाएगा बेटा? वो रिडक्शन हो पाएगा जब आप यहां पर ऑयल लगा देंगे सरफेस पर। और जब मैंने ऑयल लगा दिया, जब मैंने ऑयल लगा दिया सरफेस पर, नाउ सेम इंसान है, सेम इंसान है जो अब क्या करेगा, इसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा, है ना? सेम इंसान है जो इसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। देखो जरा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले और अब मैं कोई डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा हूं बेटा। आई एम परफेक्टली डूइंग द सेम जो मैं पहले कर रहा था, और आपको करके बता सकता हूं बेटा। आपको सामने से अगर दिखाऊंगा तो यू कैन विजुअलाइज दैट कि सर जितने सरफेस पर ऑयल है वहां पर उंगलियां चलाने पर नहीं चल पा रहे हो, लेकिन कहीं और उंगलियां चलाने पर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, आप कहीं और उंगलियां चलाने पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं? मैं एक बार ही दोबारा आपको बता देता हूं, अगर मैंने यहां से ऑयल को हटा दिया, अगर मैंने यहां से ऑयल को हटा दिया तो मैं इस सरफेस को बहुत अच्छे से इस सरफेस के ऊपर चल पाऊंगा। आप देख पा रहे हैं? यस, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसी सरफेस पर जब हमने क्या किया बेटा, जब हमने इसी सरफेस पर ऑयल डाल दिया, ज्यादा डल गया, ठीक है, जब हमने इसी सरफेस पर ऑयल डाल दिया जो कि बहुत ज्यादा डल गया है, ठीक है, आज तो घर वाले बोलेंगे भाई पता नहीं क्या ही लड़का करता है, है ना? चलो, अब अगर मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, नाउ आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस सरफेस, चलो बताओ चल के जरा, बताओ चल के जरा, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, लेकिन इफ आई वॉन्ट टू वॉक ओवर दी ऑयल, मैं छोटी छोटी स्टेप्स करके मैं इस चिकने सरफेस पर भी चल सकता हूं, इस चिकने सरफेस पर भी मैं चल सकता हूं। एवरीवन, यार इस बार तो दिल बनना चाहिए कि नहीं? हर एक चीज जो मैं पढ़ा रहा होता हूं, राइट, मैंने अपने बायो में लिख रखा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, आई लव टू डेमोन्स्ट्रेट वॉट एवर आई टीच, Nowadays I am doing that only, ठीक है? आपको करके दिखा दिया, ऑयल है इसके ऊपर, ऑयल है, अगर मैं स्टेप्स बड़े रखूंगा तो मैं वहीं के वहीं फिसल रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लूं। अब ये क्या है, मेरी उंगलियां हैं, अगर ये एक्चुअल इंसान होता ना, इतनी देर में तो धड़ाम फिर ढूंढता ये डेंटिस्ट को, ठीक है? लेकिन तुम इसको ही ऑब्जर्व करो कि अगर मैं यहां पर स्टेप्स को छोटी कर देता हूं, इफ आई मेक दी स्टॉप्स स्टेप्स स्मॉल बेटा, तो स्टेप्स को स्मॉल करने से क्या हो रहा है, स्टेप्स को स्मॉल करने से मैं इसमें यहां पर देखो आगे की तरफ बढ़ पा रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें आगे की तरफ बढ़ पा रहा हूं। यानी कि कभी अगर तुम्हें रफ सरफेस पर चलना हो तो लार्जर स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इफ यू वॉन्ट टू रन ओवर द स्मूथ सरफेसेस, देन आप कोशिश करना कि आप कदम थोड़े पास पास रखो, छोटी छोटी स्टेप्स में आप मूव ऑन करो, उससे आप इंश्योर करोगे कि नॉर्मल जो है वो इंक्रीज हो, और अगर नॉर्मल इंक्रीज होगा तो आपको जो है फ्रिक्शन लेस म्यू होने के बावजूद भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आप इफेक्टिवली चल पाएंगे। तो ये था लाइव क्लास डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2 आज की क्लास में। बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, आनंद आया कि नहीं, ठीक है, मजा आया दोस्तों, चलो बहुत जोरदार, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर जब आप किसी भी सरफेस पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास पूरा यार एकदम बिल्कुल हाथ ऑयल ऑयल हो गया सारा कुछ, नहीं ठीक है, आज तो दिल ऑयल ऑयल हो गया, ठीक है ना? हाँ जी, बारिश के दिनों में ध्यान रखना, ठीक है? देखो यार, मैं आप लोगों से बस एक बात कह सकता हूं दोस्तों कि रिजल्ट बनाने के लिए कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग रन तक याद रखना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो एक बार पढ़ बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता। आप में से कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि क्या ये सब ईंट और बक्सा और ये तेल और वो सब कुछ, ये सब करने की ज़रूरत क्या है, सीधा सीधा भी तो लिख कर समझा सकते हो ना। हाँ,
किया जा सकता है, लेकिन जब हम लाइव क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में होगे ना, तब भी आप नहीं भूलोगे। और आप अपने जूनियर्स को कहोगे कि था यार एक बंदा फिजिक्स पढ़ाने वाला ऐसा, जो हर एक चीज़ को क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके बताता था कि देखो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये यहाँ पर प्रूफ है, देखो ये लिखा है यहां पर लॉ, ये यहां पर इसका प्रूफ है। और अभी तक की जितनी क्लासेस मैंने करी है, मुझे एक भी ऐसी क्लास बता दो जिसमें एक भी कॉन्सेप्ट को मैंने तुम्हें विजुअलाइज नहीं करवाया है। इसके पीछे बस इतना सा कारण है ताकि आप लोगों को लॉन्ग रन तक चीजें याद रहें। क्या चाहते हैं यार हम ये चाहते हैं कि देखो जिंदगी में जो कुछ हमने खोया है वो तुम ना खो। जो गाइडेंस की कमी हमें थी, जो फिजिक्स पढ़ते वक्त हमें सिखाना चाहिए था वो हमने हमारे कॉलेज में जाकर पढ़ा, ओ तेरी ये चीज होती है दुर्भाग्य। देखो एजुकेशन सिस्टम का, आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर एट माई प्लेस, लेकिन बावजूद उसके मैंने फिजिक्स को ढंग से कॉलेज में आकर सीखा। मतलब तुम समझो कि एक टॉप करना और कॉन्सेप्ट को समझना, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं, राइट? और ये इस तरह से पढ़ाने वाले लोग हमें नहीं मिले। तुम सौभाग्यशाली हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म ने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि आप पढ़ पा रहे हैं। तो आप बस सिंसियर तरीके से एफर्ट्स लगाते हुए आगे बढ़ते चलो यार। आप नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं प्लस, तो आपके लिए यूट्यूब पर कितने अमेजिंग कंटेंट डिलीवर किए जा रहे हैं और साथ ही स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस भी करवा दे रहे हैं। बावजूद उसके अगर आप इधर उधर भटकते हैं या बावजूद इसके अगर आप रैंक नहीं बना पाते, तो मैं कहूंगा ये फिर आपकी गलती होगी मेरे दोस्त, ये फिर किसी पढ़ाने वाले की गलती तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है? तो कोशिश करिए कि मेहनत बढ़ाएं, नहीं ज्यादा। अगर तुम्हें लगता है कि यार आलस आता है तो मेहनत नहीं कर पा रहे हो, यू नीड सम इंस्पिरेशन, आप सामने पढ़ाने वाले को देख लो यार, आप पढ़ाने वाले को देख लो कि वो कितने एफर्ट डाल रहा है एक छोटी सी बात तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या हम स्वयं इतने एफर्ट्स नहीं डाल सकते? हमें पढ़ाने वाला इंसान एजुकेटर अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो फिर रिजल्ट तो हमें बनाना है ना। वी शुड गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है? सो दोस्तों बिल्कुल मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट्स के साथ जो है वापस हमें फोन जरूर लगाएं और बताएं कि यस भैया 22 में फोड़ फाड़ दिया। यहां पर ब्लॉक है मास एम बेटा, और जब तुम इसको यहां पर खींचने की कोशिश करते हो, जब तुम इसको यहां पर क्या करते हो सर, एक अप्लाइड फोर्स लगाकर खींचने की कोशिश करते हो, यहां पर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक? और ऊपर की तरफ यहां पर एक फोर्स होता है जिसको हम कहेंगे बेटा नॉर्मल। ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा जिसको हम क्या कहेंगे बेटा नॉर्मल। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस का आपको यहां पर एक रिजल्टेंट मिलेगा बेटा, इस नॉर्मल का और इस एफ का एक रिजल्टेंट आपको यहां पर मिलने वाला है, और वो रिजल्टेंट यहां पर आर कहलाता है, विच इज एट एन एंगल थीटा, विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से कितने एंगल पर होगा बेटा? थीटा एंगल पर होगा। तो तुम समझो जरा कि क्या चीजें यहां पर हो रही है और किस तरह की बातें हम यहां पर कर रहे हैं। तो आर को हम क्या कहते हैं बेटा? आर को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। आर को हम क्या कहते हैं बेटा? आर को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, विच इज क्या है? विच इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका जीरो हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन एन के बराबर होगा, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी, ठीक है? ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। कहां जीरो संभव है? जब तुम ब्लॉक को खींच ही नहीं रहे हो। व्हेन यू आर नॉट एट ऑल पुलिंग द ब्लॉक, देन उस कंडीशन में ब्लॉक के ऊपर केवल नॉर्मल रिएक्शन होगा इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा यहां पर आ जाइए जरा। अगर आप देख रहे हैं सर, अगर नॉर्मल नॉन जीरो है और अगर फ्रिक्शन भी तुम्हारा नॉन जीरो है, नॉर्मल का वैल्यू mg होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इनटू में mg होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो कैपिटल R है उसको तुम क्या लिखोगे सर? अंडर द रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। यहां पर आप लिखोगे सर R इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ n का स्क्वायर और f की जगह लिख दोगे तुम म्यू स्क्वायर इनटू में n स्क्वायर। म्यू n होता है ना, अरे f क्या होता है? f होता है तुम्हारा म्यू इंटू में n, सीधी सी बात है। तो यहां पर म्यू n लिख दिया। अब यहां से n स्क्वायर बाहर आएगा तो r इज इक्वल टू ये तुम्हारा n बाहर आ गया,
आर इज इक्वल टू एन तुम्हारा बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बच गया बेटा, वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर। और एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू तुम्हारे पास एम जी है, सुनना, एन का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है दोस्तों, एम जी है। तो तुम यहां पर आर का जो वैल्यू है वो बोलोगे कि ये हो जाएगा एम जी अंडर द रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर, और ये होगी इसकी अधिकतम वैल्यू, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉन्टेक्ट फोर्स की। तो आप देखें कि जब फ्रिक्शन जीरो है तब नॉर्मल जो है और कॉन्टेक्ट फोर्स है वो इक्वल हो गए। फ्रिक्शन अगर जीरो है, ये पोर्शन अगर जीरो है तो आर एन के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं है तो फिर आर की ये वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है आर विल हैव अ रेंज बेटा, आर की एक रेंज होगी जो बड़ा या बराबर होगा एम जी से, लेकिन छोटा या बराबर होगा एम जी इंटू में अंडर द रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, बहुत प्यारी चीज है। अब इसी में ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं, ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय बेस यानी कि नॉर्मल। अब बेटा फ्रिक्शन तुम्हारा म्यू इंटू एन हो जाता है, बेस तुम्हारा एन है, सॉल्व करने पर टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, म्यू के बराबर। जहां पर इस एंगल थीटा को हम कहेंगे, एंगल थीटा को हम कहेंगे बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा जाएगा सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये बात भी सब लोगों को समझ में आई, यहां तक आप लोगों को कहीं कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इतना मान के चल रहा हूं। राइट आप देख रहे हैं सर कि सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हैं। आर की मिनिमम वैल्यू कब है, जब ब्लॉक रखा हुआ है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो एफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया एफ का वैल्यू पिक्चर में आ जाएगा, और जैसे ही एफ का वैल्यू पिक्चर में आया तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का, सॉरी कॉन्टेक्ट फोर्स जिसको हम आर कहते हैं, उसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक बेटा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके सामने है। नाउ अब हम बहुत प्यारी सी बात करते हैं सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके सामने था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया। एक और चीज हम यहां पर पढ़ने वाले जिसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए सर यहां पर, एंगल क्या बात करने वाले बेटा, हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करने वाले हैं। तो सुनिएगा जरा क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज देखो, अगर मेरे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये अभी सिचुएशन है जहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा जीरो है, या अल्फा बोल देते हैं इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल अल्फा है वो जीरो है, एंगल अल्फा। ठीक है, एंगल अल्फा अभी हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है। अब अगर आपने इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म को आपने क्या किया बेटा, इस प्लेटफॉर्म को आपने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, ब्लॉक इसके ऊपर गया, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो सर अल्फा आपका नॉन जीरो हो गया। पहली सिचुएशन में अल्फा जीरो है, अब आपका अल्फा नॉन जीरो हो गया। ऐसे जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो अल्फा की एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर, अल्फा की एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर, अल्फा की एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या होगा, ये ब्लॉक जो है स्लाइड करने लग जाएगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। और जब ये स्लाइड करने लग गया तो हम इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। क्या कहते हैं हम इसको, एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। मैं विजुअलाइजेशन आपको करके बता देता हूं, किसी तरह से आप लोगों को इसको रटने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दो सरफेसेस हैं, हमारे पास दो सरफेसेस हैं बेटा। ठीक है, हमारे पास दो सरफेसेस हैं, थोड़ा सा मैं है ना सफाई वफाई करके इनको थोड़ा सा क्लीन करके है ना फिर हम यूज कर लेते हैं, बड़ा जो है यार। हाँ, टू सरफेसेस वी हैव माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक मेरे पास रफ सरफेस है, एक मेरे पास कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, तो एक लाइव क्लास डेमोंस्ट्रेशन के जरिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर स्लाइड करके देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज को पूरी तरह से विजुअलाइज करेंगे। ये यहां पर क्या था सर, ये यहां पर आपका क्या है, तो सर ब्लॉक है और ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, लाइक इसको इस तरह से रख देते हैं। और अब अगर आप क्या कर रहे हैं सर,
अब अगर आपने मान लीजिए इसको उठाना शुरू किया, लिफ्ट करना शुरू किया, लिफ्ट करना शुरू किया, लिफ्ट करना शुरू किया, लिफ्ट करना शुरू किया, सो ये जो ब्लॉक है इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर आकर, इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर आकर ये ब्लॉक क्या कर गया बेटा, ये ब्लॉक जो है यहां पर स्लाइड कर गया, इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर आकर ये ब्लॉक स्लाइड कर जा रहा है ना। अब आपको यह देखना है ऑब्जर्वेशन में कि सेम एंगल पर यह इस वाले ब्लैक सरफेस पर भी आएगा या इससे कम एंगल पर आएगा या इससे ज्यादा एंगल पर यह स्लाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं ब्लैक वाले सरफेस को। ब्लैक वाले सरफेस के ऊपर भी मैंने इस बॉक्स को रखा। नाउ मैं यहां पर एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एंगल, बढ़ रहा है, 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 और अगर आप देखें तो यहां पर आया, राइट, यहां पर आया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा, अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। हम अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वी हैव टू होल्ड दिस। ठीक है, अगर मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं, 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 इस एंगल पर ये स्लाइड कर गया। ठीक है, मैं इसको यहीं पकड़ के रखता हूं, मैं इसको यहीं पकड़ के रखता हूं, और मैं अब इसको जो है, इसको जो है, अरे यार, ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, खैर एनीवेज, आप लोग देख रहे हैं कि सर अगर मैं ये लगभग इतना एंगल आया था, राइट, ये लगभग इतना एंगल था, और अगर इस वाले को मैं लिफ्ट करना शुरू करता हूं, इफ आई स्टार्ट लिफ्टिंग दिस, ठीक है, ये यहां पर आ गया था, इफ आई स्टार्ट लिफ्टिंग द ब्लैक वाला सरफेस, इफ आई स्टार्ट लिफ्टिंग द ब्लैक वाला सरफेस, इफ आई स्टार्ट लिफ्टिंग द ब्लैक वाला सरफेस, तो ब्लैक वाले सरफेस पर आप देख रहे हैं कि सर उसका इंक्लिनेशन ज्यादा करना पड़ा, ब्लैक वाले सरफेस का इंक्लिनेशन ज्यादा करना पड़ा टू स्लाइड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक एज कंपेयर टू दिस प्लाईवुड। बेटा अगर आप ये दो सरफेसेस इस तरह से रख रहे हैं और अगर आपने ब्लॉक को यहां पर इस इंक्लिनेशन पे रखा, देखो ये स्लाइड करके नीचे आ गया, और अगर आपने इसको इस इंक्लिनेशन पे रखा, सेम इंक्लिनेशन पे, अगर आपने ब्लॉक को क्या किया बेटा, सेम इंक्लिनेशन पे रखा, मैं अगर इसको सेम इंक्लिनेशन पे रखता हूं, ठीक है, ऐसे ही सेम इंक्लिनेशन पर, तो इस ब्लैक वाले पर स्लाइड नहीं कर रहा था, थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा चाहिए था, दैट मींस लग रहा था कि ये स्मूथ सरफेस है और लग रहा था कि ये प्लाईवुड रफ सरफेस है, लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये ज्यादा रफ है और ये ज्यादा स्मूथ है, तो ये रफनेस और स्मूथनेस का इस तरह से कमाल जो है आप यहां पर समझ सकते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है पूरी तरह से। सो दोस्तों यहां पर अगर आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, क्या बोलेंगे सर यहां पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, और जब ये स्लाइड करना शुरू कर रहा है तो आगे की तरफ फोर्स लगता है सर mg sin थीटा, और अगर स्लाइडिंग इस तरफ हो रही है तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देयर मस्ट बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि म्यू इनटू में n होना चाहिए। अब n क्या लिखोगे, हम सबको मालूम है सर इंक्लिनेशन पर अगर ये नॉर्मल है तो इस n का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये फोर्सेस हम रिजॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos थीटा हो गया और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू इनटू में mg cos थीटा हो गया। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, देन इन दैट केस आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो एम जी साइन थीटा होगा ये यहां पर इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा के साथ। अब बेटा एम जी से एम जी आपने कैंसिल आउट किया, यहां पर आपको मिला टेन थीटा विच इज बेसिकली टेन अल्फा, सॉरी है ना, क्योंकि एंगल थीटा नहीं था, अल्फा लिया था हमने, अल्फा लिया था, और टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, म्यू के बराबर। ये आपके पास एक विजुअलाइजेशन आ गई कि सर आप समझ अगर रहे हैं, है ना बेटा जी, अगर आप समझ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होने का मतलब है कि सर एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर आ गया, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ चुका है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आ चुका है। यहां तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को सारी बातें
क्लियर होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन और दिक्कत तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आ जाइए जरा, आपको बड़े जो है सवाल मजेदार तरीके से करवाते हैं, ठीक है। आ जाइए जरा यहां पर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। बेटा IIT 2003 का सवाल है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। म्यू का वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू दिया है, सब कुछ आपके सामने है। सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है। देखो एफ के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे सर, एफ के दो कॉम्पोनेंट हो गए। इसको अगर आप कॉम्पोनेंट में ब्रेक करें, इसके दो कॉम्पोनेंट पॉसिबल है सर। एक हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, और एक हो जाएगा सर वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको आप बोलेंगे सर एफ यहां पर साइन 60 डिग्री। राइट, क्लियर है? बहुत जोरदार। ये नीचे की तरफ लग रहा है एफ साइन 60, और नीचे की तरफ अगर यहां पर आप देखेंगे तो एक फोर्स लग रहा है एम जी। एम का वैल्यू होगा √3, और यहां पर जी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10। बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ क्या होगा सर, एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। इस पूरे फ्री बॉडी डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एफ कॉस थीटा चाहता है सिस्टम को स्लाइड करना, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो चाहता है इस सिस्टम को, इस स्लाइडिंग को अपोज करना। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? सर एफ का एक कंपोनेंट है विच इज एफ को 60, जो इस ब्लॉक को इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका एक कॉम्पोनेंट है विच इज एफ कॉस 60, जो इसको स्लाइड करने से प्रिवेंट कर रहा है। सो माई डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर लिखेंगे ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, कब नहीं मूव करेगा? जब तुम्हारा एफ कॉस 60 जो है वो लेस देन और इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन में बात करें बेटा, लेस देन और इक्वल टू यहां पर क्या होना चाहिए, एफ लिमिटिंग के बराबर। और अगर आप इसको लिखेंगे एफ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कर दोगे लेस देन और इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन में हम अगर चल रहे हैं सर, तो ये म्यू इंटू में एन के बराबर होगा, जिसमें आप देखेंगे कि सर एफ इज यहां पर 1/2 लेस देन इक्वल टू म्यू, तो म्यू है लेकिन एन का वैल्यू हो जाएगा बेटा mg प्लस एफ साइन 60। तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं सर, mg प्लस आपका f साइन 60। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों अगर आप यहां पर देख रहे हैं, तो अब विजुअलाइजेशन हो जाएगा। एफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिमिटिंग कंडीशन में अगर हम बात करें बेटा, लिमिटिंग केस में अगर हम जाकर बात करेंगे लिमिटिंग कंडीशन में, तो हम लिखेंगे सर एफ इंटू में 1/2, इसको आप इक्वल कर दीजिए, ये हो गया म्यू इंटू में आपका एम जी, और ये प्लस हो जाएगा बेटा म्यू इंटू में आप यहां पर बोलेंगे बेटा एफ, ये हो जाएगा √3/2। इसको उठाकर इस तरफ लेकर आइए, ठीक, इसको उठाकर एफ को इस तरफ लेकर आइए, बाकी सारी चीजें तो यहां पर आप एफ कॉमन करेंगे, ये वैल्यू आपके पास बनने वाली है सर 1/2 माइनस हो जाएगा म्यू का वैल्यू, आपके पास 1/2 √3 है, सो 1/2 √3 ये हो गया बेटा यहां पर आपका क्या, √3/2। एफ में कॉमन ले चुका हूं इज इक्वल टू 1/2 √3, मास का वैल्यू √3 है, और ये जी का वैल्यू 10 हो गया। √3 से √3 कैंसिल, यहां पर √3 से √3 कैंसिल, 1/2 में से 1/4 जाएगा, 50 में से अगर 25 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी कि ये बच रहा है सर f इनटू में 1/4 इज इक्वल्स टू, यहां पर बच रहा है सर आपके पास 5, तो f का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बेटा, f इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू, f इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू टिल व्हिच दिस ब्लॉक विल बी स्टेशनरी। अगर आपने इस 20 को 21 भी कर दिया तो ये ब्लॉक स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये मूव करने लग जाएगा। सिंपल सवाल था, सिंपल स्टेटमेंट था। यहां पर एक चीज आप देखेंगे जरा, अगर हम इस ब्लॉक को पुश कर रहे थे ना, धकेलने की कोशिश कर रहे थे, तो जो पुशिंग फोर्स था उसका एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल को बढ़ाने का काम कर रहा है। सुनना, अगर हम इस ब्लॉक को धक्का दे रहे थे, पुश कर रहे थे, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस ब्लॉक को धकेलने में
आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो यहां पर आप यह समझ सकते हैं, इस एग्जांपल में बताता हूं बेटा, कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, अगर आपके पास एक ब्लॉक है मास m, यहां पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स आपको दिया हुआ है म्यू, और अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, किसी एफर्ट से बेटा, किसी फोर्स एफ से। और अगर मान लीजिए ये एंगल आपने लिया थीटा, इसका एक कॉम्पोनेंट यहां पर बनेगा विच इज एफ साइन 60 बेटा, और यह क्या कर रहा है, नॉर्मल को इंक्रीज कर रहा है। mg तो था ही पहले नॉर्मल, और ये f sin थीटा एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर आप पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो नॉर्मल आपका इंक्रीज कर रहा है। वन कंपोनेंट ऑफ योर फोर्स, आपके एफर्ट का एक हिस्सा क्या कर रहा है, नॉर्मल को इंक्रीज कर रहा है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन एंड हेंस डिफिकल्ट टू मूव। आपको यहां पर डिफिकल्टी लगेगी, डिफिकल्टी टू मूव बेटा, ठीक है। बट अगर आप इसी सिस्टम में ये ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, मास m है, हॉरिजॉन्टल से किसी फोर्स f पर आप अगर इसको पुल करते हैं, क्या करते बेटा, पुल करते हैं, खींच रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि सर नॉर्मल ऊपर है, mg आपका नीचे है। इस बार f का एक कंपोनेंट आएगा विच इज f साइन 60, और वो ऊपर की तरफ आ रहा है, सो नेट नॉर्मल आपका mg माइनस f साइन 60 होगा, यानी कि f साइन थीटा, यानी कि आप बोलेंगे नॉर्मल डिक्रीज हो रहा है, हेंस फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, और आप यहां पर बोलेंगे सर इजी टू मूव। इजी टू क्या हो रहा है बेटा, मूव, दैट मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को खींचना आसान होता है बजाय धकेलने के, खींचना आसान होता है बजाय धकेलने के। यह एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में देकर आपसे अभी अलविदा लूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं स्पेशल क्लास में बेटा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे स्पेशल क्लास में 9 PM पर, टूडे 8:09 PM क्विज ऑन फ्रिक्शन के नाम से आपको सेशन मिल जाएगा। सारे बहुत बेहतरीन सवाल हैं जिनको हम क्लास में करने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक सवाल यहां पर आपके सामने हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को करने से आपका पूरा फ्रिक्शन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आपको अगर स्पेशल क्लास नोट्स ऑन सभी चीजों का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, डू ज्वाइन दिस चैनल हेलो फिजिक्स बेटा। टेलीग्राम में जाकर बस सर्च करो हेलो फिजिक्स के नाम से, आपको मिल जाएगा। मेरे कल फ्रिक्स के शॉर्ट नोट्स भी यहीं पर है। मेधावी प्लस is something which will ensure that कि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें, if you follow the words sincerely बेटा, ठीक है। एजुकेटर के वर्ड्स को अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप जो है अपने सपने की मंजिल को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% बेटा, अभी 17 November तक एडिशनल 10% का ऑफ आपको यहां पर मिलने वाला है, यानी कि टोटल 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन देन गो फॉर इट। यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज, उसके एनालिसिस, कहां आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे आप उन्हें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उन सारी चीजों के साथ आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिल जाएगी बेटा। तो ये इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशल प्राइस वीक आप देख सकते हैं यहां पर 17 November तक आपको कितने सारे डिस्काउंट यहां पर मिल रहे हैं विद दिस कोड MS Live बेटा, ठीक है। तो इस कोड को यूज करो, अप्लाई करो, और उसके बाद मुझे बता दो कि यस भैया हम आ गए, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ बैचेस कमिंग ऑन योर वेज, ठीक है। तो ये सारी बैचेस आप देख सकते हैं, अदर देन किसका बेटा, तो अदर देन आपका मेधावी प्लस यूनिक। ये एक ऐसा बहुत यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, इसके जैसा और कोई नहीं। सो टॉपिक वाइज डीपीपीज बेटा, नीट 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए अन अकेडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट बोलते हैं हम इसे, और ये होता है एवरी मंडे टू थर्सडे, यानी कि हफ्ते में आप 4 दिन बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 November से शुरू हो चुका है, 7 PM पर एवरी डे हो रहा है, 30 मिनट 30 क्वेश्चन। आप इसे ज़रूर जो है एक बार प्लान करें और अपने लिए आगे बढ़े बेटा, ठीक है। मेगा कॉम्बेट आ रहा है। कोई बच्चा ये बोलता है कि सर सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए, लेकिन कैसे हम प्लान कर सकते हैं, तो ढेर सारे अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ अगर आपको चाहिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो आपको 28 क्वेश्चन के एफिशिएंट आंसर करने हैं 45 मिनट में बेटा अनअकैडमी कॉम्बैट में, और वो होगा 11th क्लास के लिए अलग, 12th क्लास के लिए अलग, 13th क्लास के लिए अलग, यानी कि आप 11th में हैं चाहे 12th में हैं चाहे आप 13th हैं, यानी कि ड्रॉपर हैं या रिपीटर हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कंप्लीटली नए क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लीटली न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एकदम नया, जो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा, और उन सवालों को फिर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पर चीजें सीखने को मिल रही होती हैं बेटा। तो राइट, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी हो गया, प्राइसेस भी मिल गए, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप फ्री में यहां पर देख सकते हैं। आईपैड है, सैमसंग टैब है बेटा, फिटबीट है, उसके अलावा JBL के प्रोडक्ट्स हैं और अमेजन वाउचर्स हैं, यानी कि सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो ये यहां पर सारे फीचर्स हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे कंप्यूटर से भी एक्सेस करके दे सकते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में नहीं है तो आप कंप्यूटर पर जाकर वहां पर भी लॉग इन करके और फिर अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डू ज्वाइन दिस राइट नाउ, राइट अवे, एंड मुझे बता देना टेलीग्राम पर मैसेज करके कि भैया कॉम्बैट में एनरोल कर लिया है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया वी हैव एनरोल्ड फॉर द मेगा कॉम्बैट जो कि होने वाला है नेक्स्ट कमिंग संडे को। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी या, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, हमेशा की तरह मचाते रहें, और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं शाम 9 बजे, टेक केयर, बाय बाय।